नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आपको बता दें, जहां एक तरफ चुनावी माहौल, वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए देवरिया के एक जवान शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में लोग देवरिया जनपद के अलग अलग कोने से पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि संतोष यादव, जो देवरिया जनपद के रुद्रपुर के टड़वा गाँव के रहने वाले हैं, आज वो शहीद हो गए हैं और उनको एक झलक देखने के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि हजारों लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि जहां उनकी माँ ये आस लगाई थी कि आज हमारे बेटे देश की रक्षा करेंगे और घर का भी रोजी रोटी चलाएंगे, लेकिन आज उनका चिराग बुझ गया और उनके आंसू पोंछने के लिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुंचे हुए हैं कि एक हमारे देश के जवान, एक देवरिया जनपद के लाल जो आज शहीद हो गए हैं, उनके घर वालों को ढांढस बनाने के लिए देवरिया जिला प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है कि उनकी घर वालों को ढांढस बनवाया जाए, उन्हें सांत्वना दिया जाए। जो क्षति हुआ है उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस जवान के घर वालों के लिए, इनके रहने के लिए जो भी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था ज़रूरी है। देखिए, देवरिया जनपद को यूं ही नहीं वीरों की धरती कहा जाती है। देवरिया जनपद ने देश के लिए अनेकों बलिदान दे दिए। देवरिया जनपद के अनेकों युवा अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन देश की रक्षा करते हुए। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर के ग्राम टणवा की ये तस्वीरें आपके सीधे आपके सामने देख सकते हैं कि देवरिया जनपद के संतोष यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देवरिया जनपद के अलग अलग कोने से लोग पहुंचे हैं अपने भाई, अपने बेटे, अपने पुत्र को देखने के लिए, क्योंकि ये लास्ट दर्शन है। इसके बाद से संतोष यादव को फिर भी लोग कभी नहीं देख पाएंगे सिवाय तस्वीरें की। आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जवान और हमारे देवरिया जनपद के लाल बेटा शहीद हो गए, जिन्हें एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग बेताब देखे। वहीं आपको बता दें कि शहीद संतोष यादव के परिवार के रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आतंकियों ने इस बेटे को शहीद कर दिया। एक माँ ने अपना सपना सजाई थी, एक भाई ने सपना सजाया था कि दोनों भाई मिलकर घर की तरक्की करेंगे, माँ बाप को देख रेख करेंगे, साथ में देश का रक्षा भी करेंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था जो हो कर रही। लेकिन देवरिया जनपद के संतोष यादव ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बी न्यूज ने श्रद्धांजलि देता है ऐसे वीरों को। नमस्कार।